22,000 का कर्ज है बिहार के हर व्यक्ति पर। अट्ठाईसवां नंबर पर बिहार है गरीबी रेखा के नीचे। नीतीश कुमार के बजट में, नीतीश कुमार के बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई जोर नहीं है, बेरोजगारी पर कोई जोर नहीं है, महिला सुरक्षा पर कोई जोर नहीं है, बिहार के मजदूरों के पलायन पर कोई जोर नहीं है, बिहार की बंद फैक्ट्री पर कोई जोर नहीं है, बिहार के नए पूंजी निवेश पर कोई जोर नहीं है। उन्होंने एक सपना दिखाया 2020 में नहीं 2024 का। जब आप अभी तक 2005 सालों में आपने एक बार भी 50% पैसे भी बिहार में खर्च नहीं किए, या तो लौट गया या तो रखा रह गया, डायवर्सन हो गया। तो जब आपने 55 सालों में 50% रुपया भी अपने बिहार में खर्च नहीं किए, पैसे लौट गए, और उसके बाद प्रत्येक व्यक्ति पर बिहार में 22,000 का कर्ज है, और दुनिया में 28 प्रदेशों में हम 28वें नंबर पर निचले पोदान में हैं, एजुकेशन और हेल्थ हमारा निचले पोदान पर है, हमारे यहाँ एक एम्स खुलने के बावजूद भी वहां किसी तरह की इलाज नहीं होती है, आईजीएमएस पर लगातार आप सुपर सीट मेडिकल की बात करते हैं, लेकिन लगभग 70% जो पैसा है बीमारियों पर दिल्ली, चंडीगढ़ और बाहर बिहार का जाता है, और 20,000 करोड़ रुपया सालाना एजुकेशन में बाहर जाता है। मैं नीतीश कुमार जी से जानना चाहता हूं कि पार्टी फंड इकट्ठा करने के लिए आप भवन बनाने की बात करते हैं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज बनाऊंगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे पुरानी है उसमें 70% आपके पास किसी भी फैकल्टी का प्रोफेसर नहीं। यदि मैं पटना यूनिवर्सिटी को सिर्फ छोड़ दूं, पटना यूनिवर्सिटी के अलावे कोई भी यूनिवर्सिटी 6-7 साल नीचे से किसी भी कीमत पर आगे नहीं, सब कोलैप्स है, बच्चे हमारे बिहार में पढ़ना नहीं चाहते। आपने ना जिम्मेदारी तय की है, और मेरा मानना है बहुत ही स्पष्ट क्लियर, कोई भी सरकार अपने बजट के द्वारा आप जनता को सपना दिखाती है, और यदि वो 60% काम नहीं हो तो सरकार को उसी दिन रिजाइन कर देना चाहिए, और जनता को गुमराह करने पर केस भी उस वित्त मंत्री पर होना चाहिए कि आप सपना दिखाते हैं और 60% काम नहीं हो पाता, और उसके बाद गुमराह करते हैं जनता को अपनी सियासत के लिए। आपने स्कूल खोलने की बात और पैसे लगाने की बात आप कर रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षक, संविदा पर आप कोई चर्चा नहीं करते, आप टीचर्स के क्वालिटी पर चर्चा नहीं करते, क्वांटिटी पर चर्चा नहीं करते हैं। आपके यहां 4,834 माध्यमिक विद्यालय नहीं है, लगभग 6,000 गांव में हाई स्कूल नहीं है, आप इस पर चर्चा नहीं करते, और यदि आप भवन बनाएंगे तो टीचर क्वालिटी और क्वांटिटी कहां से दे रहे हैं, इस पर कोई बजट में चर्चा नहीं, एक बार आपने नहीं कहा। आप रोजगार डेवलपमेंट पर एक बुनियादी सवाल पर चर्चा नहीं की कि आप युवाओं को कहां से रोजगार देंगे, बच्चे कहां से हमारे तरक्की करेंगे। आपने सपना 17,000 करोड़ रोड पे, इतना 1,000 करोड़ रुपये शिक्षा पे, आप 1,000 करोड़ 1,000 करोड़
बिहार को आप नंबर वन टू नंबर फाइव में कहां से लाएंगे, इस पर आपने कभी कहा?